हेलो टू फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज है संडे के दिन और आज हॉलीडे है, बच्चे की छुट्टी है, और अभी मैं बालकनी में बैठी हूँ। सुबह के 6 बज रहे हैं और हवा अच्छी चल रही है और फैंस ला के मैं भी नीचे बैठी हूँ। और यहाँ पर बनी खुर कर के जा रहा है, मतलब ये बॉल है ना, उसके साथ खेली जा रहा है। हमारा नीचे एक और डॉग है आंटी जी का, जैकी नाम है, उसी को बॉल उठा के लाया है ऊपर, तो जाएगा तो नीचे उसको रख दूँगी मैं। तो गाइस ब्लॉग में बने रहो, आप लोग ब्लॉग में क्या होता है तो मैं बताऊँगी। और हाँ गाइस, एक जने का कमेंट्स आया था, इसको देखो अभी उठी है। हाँ 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 करिए, उसको अकेले डर लगता है, बात क्या बताऊँ। जब पापा रूम में आ जा सुबह, तो अब जग गई है ना, जाके सो जाना वहाँ पे, नींद पूरा नहीं हुआ होगा। नहीं सोएगी, ठीक है। तो गाइस हाँ, मैं आपसे कुछ पूछना, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं अपने YouTube चैनल पे ऐसा कुछ पर्सनल लाइफ शेयर नहीं करती, फिर भी लोगों को लगता है कि पर्सनल लाइफ में शेयर करती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, बहुत चीज़ें हैं मेरे लाइफ में, चीज़ें हैं लेकिन मैं नहीं बताती हूँ। हाँ, जिस लोगों को ज़रूरत है ये चीज़ें तो वो तो बताना ज़रूरी है, होता है। अब देखो, मैं लैप्रोस्कोपी हुई है, तो मुझे एक दो जने औरतें पूछे कि लैप्रोस्कोपी में कैसे चीज़ें मतलब होते हैं, क्या चीज़ें होते हैं, क्योंकि लोगों को डर लगता है। क्योंकि अगर मान लो कि मैं उस चीज़ से गुजरी नहीं हूँ, दूसरा कोई उस चीज़ से गुजरा है, तो अगर उससे पूछने में मुझे भलाई है या डर कम हो जाएगा, तो उसमें पूछने में क्या दिक्कत है। तो वही है, 2-3 जने हैं वो पूछे कि लैप्रोस्कोपी कैसे किया, कैसे होता है, मेरा भी होने वाला है, उसमें अगर बताऊँगी तो क्या दिक्कत है। मैं वो सोचती थी वो वीडियो बनाऊँगी, लेकिन मैं एक लाइव स्ट्रीम में बस बता दी कि मैं हॉस्पिटल आई हूँ अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए। तो उसमें भी कोई कमेंट्स कह रहे हैं कि आप अपने पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे हो, तो भाई ब्लॉग शेयर में इतना चलता है, ऐसा मत सोचो यार। इतने बड़े सेलिब्रिटी ब्लॉग चैनल बनाते हैं, अपनी सारी चीज़ें बताते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच होती है लोगों को। बस मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखो गाइस, ऐसा नहीं कि मैं पूरा किताब खोल के आप लोगों के सामने सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें मैं घर में करती हूँ वही चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। अपना जितना घर में पर्सनल चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं कभी भी शेयर नहीं की हूँ और ना करने वाली हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस यही था मेरा कि प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करो, क्योंकि जो मैं साफ सुथरा वीडियो बनाती हूँ फिर भी लोगों को लगता है कि मैं चीज़ें बहुत गलत कर रही हूँ। मैं उन जनों को ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे वीडियो आप अभी भी देखोगे ना, तो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें जो होते हैं घर में चलते हैं सबके लाइफ में, वही मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाकी लोगों को देखोगे ना कि सास क्या कर रही है, ननद क्या कर रही है, वो सब वीडियो डालते रहते हैं सिर्फ व्यूज़ पाने के लिए। मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ अपने, चलो कोई बात नहीं है, मैं इतना बहस की मैं इतना मतलब आप लोगों को क्वालिफाई क्यों कर रही हूँ जो मैं सही हूँ। तो चलो गाइस, और इसको वीडियो मतलब मुझे क्या ही बोलूँ, छोड़ो ये गाइस। कभी कभी ये होता है कि मैं क्यों यूट्यूब चैनल खोल रही हूँ। मेरा हस्बैंड सच्चे में कह रहे थे कि देख दिव्या, यूट्यूब चैनल तो खोल रही है, बना रही है, पर उसमें नेगेटिव कमेंट्स जरूर आएंगे, लेकिन चलता है यार। हाँ, इसको देखो, दोनों से देखो क्या खा रहा है, बॉल क्यों खा रहा तू? ये जैकी का बॉल खा के ले आया है। ओए पगला, क्या मारो मारो तेरे को, हैं फेंक दूंगी बाहर। वहां पे क्यों सोया बेटा, गंद जगह पे दोस्त। तो गाइस यहाँ तक ब्लॉग एंड करती हूँ, देखो ब्लॉग नहीं था, ऐसी चीज़ों को समझाने के लिए ब्लॉग वीडियो शूट की थी मैं, और
तो गाइस प्लीज ऐसी चीजें मत आप लोग बोला करो, क्योंकि हाँ अगर मैं गलत हूँ चीज में, मैं गलत नहीं हूँ गलत नहीं, मैं अपना वीडियो में लाइव स्ट्रीम भी उठा के देखी हूँ जिसपे वो कमेंट्स किए थे उस पर। हाँ हाँ मैंने उसको पिटाई तो किया ना। देखो गाइस मैंने उस जिस पे वो वीडियो का कमेंट की थी ना, उस वीडियो को मैं उठा के देखी, ऐसा कुछ है नहीं यार। नॉर्मल चीज़ें, मैं हॉस्पिटल गई थी लाइव स्ट्रीम वहाँ पर आई हूँ क्योंकि मैं बोर हो रही थी, मैं सोची कि लाइव स्ट्रीम आ जाती हूँ। उसमें एक दूसरे ने बोल दिया कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, तो मैंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसे नॉर्मल जगह पर आके आई हूँ, मेरा लैप्टोस्कोपी हुई थी, ये सब चीज़ें मैं बताई थी बस। उसमें मतलब पर्सनल लाइफ शेयर करने की क्या बात है, ब्लॉग चलो उठा के आप देखो, ब्लॉग चलो उठा के आप देखोगे ना तो लोग क्या क्या कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसा मत समझो कि मैं अपना पर्सनल लाइफ शेयर करती हूँ, इतना थोड़ा अगर पर्सनल लाइफ कोई शेयर करता भी है ना तो इतना चलता है ब्लॉगिंग का, तो ब्लॉगिंग करने का कोई फायदा ही नहीं है। हाँ बनी डंडा बनी मारो सो डंडा लग डंडा ले चल लग डंडा हार रहा सारे के सारे छोड़ छोड़ो। चलो गाइस ब्लॉग ब्लॉग नहीं था, ऐसी कुछ चीज़ें थी, तो यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ गाइस मैं आपसे कुछ नहीं कह रही, बस इतना बताया चाहती हूँ कि मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ और आप भी अपने जगह पे सही हो। जिसको जो लगता है आप कमेंट्स करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है मैं रिप्लाई नहीं दूँगी, आप रिप्लाई मैं ज़रूर दूँगी आप कमेंट्स को। हाँ ये चीज़ें अगर ऐसा है तो मैं अगर सुधारने की कोशिश करूँगी, पर मुझे नहीं लगता कि मैं चीज़ें गलत कर रखती हूँ, कोई बात नहीं, तो ठीक है।